दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। कि क्यों पूछते हो मुझे कि क्या चाहिए तुझे? क्यों क्यों पूछते हो मुझे कि क्या चाहिए तुझे? अल्लाह चाहता हूँ, खुदा चाहिए मुझे, रहमत का साहेबान है सरफर मेरे हफीज। अरे माँ है जिंदगी मेरी, तो क्या चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं चाहिए। अरे माँ है जिंदगी मेरी, अरे मैं मेरे समाज से सवाल करूँ आज, बाबा साहेबान ना तर आमी बाप मानतो, लेकिन मेरा दावा है कि बाबा साहब ने हमारे माँ से भी ज्यादा बढ़कर काम किया है, हमारे माँ से भी बढ़कर बाबा साहब बाप भी है और माँ भी है। मैं आज तुम्हें सवाल कर रहा हूँ और सवाल छोड़कर हिंगन घर जा रहा हूँ, आप जवाब ढूंढते रहिए। झिमरा भुजा ना चाला निकाय मनुसागा। राव या ना त्यादा निकाय मनुसागा, भीमराव या ना त्यादा निकाय मनुसागा, मे बाप मनु तुझला, मैं बाप मनु तुझला। अरे कमाय मनु सागा, बाबा साहेबाचा राजरत्न नावाचा मुलगा जो बाबा साहेबांसारखा दिसायचा, बाबा साहेबांचा राजरत्न नावाचा मुलगा जो बाबा साहेबांसारखा दिसायचा, बाबा साहेबच्या मुलावर फार प्रेम करायचे। पण बाबा साहेब विदेशात असताना, बाबा साहेब विदेशात असताना राजरत्न बीमार पडला आणि माता रमाईला त्याला दवाखान्यात घेऊन जाण्यासाठी पैसे नसल्यामुळं राजरत्न नावाचा मुलगा बाबासाहेबाचा वारला मेला। तरी सुद्धा रमाईनं बाबासाहेबांना कळवलं नाही रे विदेशात की बाबासाहेब तुमचा राजरत्न वारला का नाही कळवलं? है दुनिया के अंदर ऐसी कोई माँ? का नाही कळवलं? क्योंकि मेरी रमाई जानती थी कि यहाँ तो मेरा एक राजरत्न मर गया है, लेकिन मेरे बाबा साहब ये करोड़ों राजरत्न की जिंदगी बनाने के लिए गए हैं। मेरे करोड़ों राजरत्न अफसर बनेंगे, आमदार बनेंगे, खासदार बनेंगे, शहंशाह बनेंगे। अरे किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान, कुनाला घर मिला लो, कुनाला दुकान मिला लिए। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। अरे माताओं, वासल्य तुझे बाबा बगलाज भी आई ला, रक्त आहे का दूध, हे रक्त आहे का दूध,
अरे कसाय म्हणू सांगा मिनट ले रहा हूं। आज आमच्या एखाद्या माऊलीला बांधवाला एखादा मुलगा मुलगी झाली कि वो बच्ची संभालने के किसी रिश्तेदार को लेकर आते हैं, क्योंकि बोलते हैं ये बच्ची संभालने के लिए लाया है, इसको संभाला नहीं जाता। लेकिन एक माँ देखो वो कैसी है, घर भी ना जिभाड़ा एक बाला सा ठीक कधी राग कधी मार असे शिवी वो ठीक कधी राग कधी मार असे शिवी वो ठीक कधी राग कधी मार असे शिवी वो ठीक हिमाईच्या मावदीन हिमाईच्या मावदीन किमिया केली मोठी ग एकटीन घडविले एकटीन घडविले तिल कोटी कोटी ग एकटीन घडविले कोटी कोटी ग एकटीन घडविले तिल कोटी कोटी ग भाई इसे जनाब सैफुल्ला साहब हमारे कहते हैं कि माँ की जो ममता है वो कहीं पर भी नहीं। देखो मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ तो कभी कभी मेरे भाइयों को बहनों को उनको डर लगता है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं, कोई खुश होते हैं कोई नाराज होते हैं, इसको कोई कुछ करना दे। लेकिन आज तक मेरे पास आकर किसी की कुछ करने की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इसके पीछे एक राज है मेरी माताओं, ए मेरे भाई ए मेरी बहन, इसके पीछे एक राज है। वो कौन सा राज है कि लफ्जों में वो तरावट नहीं आया करती, लफ्जों में वो तरावट नहीं आया करती और खतों में पहली से मोहब्बत नहीं आया करती। अरे जो लूटते रहते हैं दुआएं सदा माँ की, ऐसे बच्चों पे मुसीबत नहीं आया करती, ऐसे बच्चों पे मुसीबत नहीं आया करती। मेरी माताओं एक प्रसंग संग दो और उसके बाद में तय करना है। जनाब साहब कहते हैं कि माँ की जो ममता है वो कहीं पर भी नहीं, काला बेटा भी उसे रश के कमर लगता है, कमर यानी चांद, रश्क यानी चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। माँ की जो ममता है वो कहीं पर भी नहीं, काला बेटा भी उसे रश्क कमर लगता है और आज जमाना मुझे इज्जत से बुला रहा है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, मेरी माँ की दुआओं। ऐ मेरी माताओं एक प्रसंग संगतो, माता रमाईला शेरोग झाला होता म्हणजे टीबी झाली होती, त्याच काळात पंडित नेहरूंच्या पत्नीला सुद्धा टीबी झाली। पंडित नेहरू आपल्या पत्नीचा इलाज करण्यासाठी विदेशात घेऊन गेले, पण बाबासाहेब समाजाचं काम करत असताना रमाईकडे घराकडे लेकरांकडे लक्ष नाही, चार चार लेकर मेले रे। बॅरिस्टर के बच्चे दवा खाने के लिए पैसे नहीं बोल के मर गए, दुनिया का कोई ऐसा बॅरिस्टर नहीं है, दुनिया में ऐसी कहीं मिसाल ही नहीं है। गंगाधर नावाचं पोरगं मिले, उसको दफनाने के लिए सफेद कपड़ा नहीं था, मां रमाई की साड़ी के अंदर उसे दफनाया गया। थोड़े तो एहसान जागो यार। माता रमाईला शेरोग झाला है, इतकी टीबी वाढली, माता रमाई मरायला आली। एक बाबासाहेब निरोप घेऊन बाबासाहेबांकडे गेला आणि म्हणाला, बाबासाहेब तुम्ही घरी चला, माता रमाई मरायला आली। बाबासाहेब घरी येऊन पाहतात तर माता रमाई धरणीला लोळलेली। बाबासाहेब रमाईचं डोकं आपल्या मांडीवर ठेवून काय म्हणतात मावल्यांनो, रामू रमा मला माफ कर, रमा मी तुझ्याकडे लक्ष नाही देत, अगं रमा मला माफ कर, मी तुझ्याकडे यासाठी लक्ष देत नाही कारण की तुला जो रोग झाला
त्या रोगाची तर या देशात हजारो डॉक्टर आहेत. एखादा डॉक्टर येईल आणि तुझा रोग बरा करेल. रमा रमा मला माफ कर, मी तुझ्याकडे यासाठी लक्ष देत नाही कारण की माझ्या समाजाला जो रोग झाला त्या रोगाचा मी या देशात एकटाच डॉक्टर आहे ज्याचं नाव आहे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर. रमा 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 मला माफ कर. आणि ते बाबासाहेब ते बाबासाहेब हे मावल्यानो ते बाबासाहेब एका मताची किंमत आपल्या आई व बहिणीच्या इज्जतीपेक्षाही जास्त सांगतात. बाबासाहेब एका सभेत म्हणाले की मी गाईचं म्हशीचं बकरीचं दूध विकताना लोकांना पाहिलं. मी जगाच्या पाठीवर फिरतो. मी जगात गाईचं बकरीचं म्हशीचं दूध विकताना लोकांना पाहिलं पण आपल्या आईचं आपल्या माईचं दूध विकताना मी या जगात कोणालाच पाहिलेले नाही. भाई हो बाबासाहेब एका मताची किंमत याने अपने माँ के दूध के बराबर बताया है. मेरे भाइयों आज तक जो मेरे समाज ने गलतियाँ की है उसको भूल जाइए लेकिन आज के बाद अपने माँ बहन की इज्जत को ना बेचिए, कम से कम अपने माँ के दूध को ना बेचिए मेरे भाइयों, क्योंकि माँ का दूध जमाने में दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलता है. और आने वाले समय में जय भीम बोलने वाला राजा बनाइए ताकि प्रबुद्ध भारत तुम्हें बनाना है, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है. इसीलिए मैं पुनः एक बार आप लोगों से माफ़ी चाहकर मेरे माताओं का, मेरे भाइयों का, यष्टी कर्मचारी सभी भाइयों का, सर्व समाज के जाति के भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करने से पहले मैं जाते जाते आप लोग नर्वस होकर नहीं जाना चाहिए इसलिए चार लाइन दूसरे गीत के पढ़कर मैं यहाँ से विदा हूँ. शायद कभी आपकी सेवा करने का दोबारा मुझे मौका भी मिल सकता है. आप लोग चाहें तो मलाई जाओ. ठीक ओम मेरा दिल नहीं हो रहा है आप लोगों को छोड़ने को. और जातिवाद को जड़ से मिटाने चोरों से ये छिनकर खजाना बहुजन पर ही सारा लुटाने भीम बेटों की अपना के सरकार करने ये काबिज दिल्ली का कारोबार सारा भारत ये करने नीला सारा भारत ये करने नीला. अरे चला मैं संसद में चला ना चलो चला मैं संसद में एक मिनट. इधर माँ बहने हैं, आपको भी माँ बहने हैं, आपको भी माँ है, बहन है, बेटी है, बीबी है. आप माँ बहन बेटी का ख्याल रखते हुए माँ बहनों खड़े हो जाइए. आप लोग आप इधर खड़े हो जाइए. आप ए कैमरे वाले दादा तो इधर आके सबको कैद कर ले बेटा. चल मैं सन जाना नहीं, आप कसम खाकर जाना है. चल मैं संसद में जाता इरफान भाई आपका खास तौर से शुक्रिया भाई सांडवल. अभी जाते जाते दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ नारे लगाकर हम हमें यहां से जाना है. चलिए दोनों हाथ ऊपर करके बिल्कुल सद में चला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आपका संसद में चला चला मैं संसद में चला चला मैं संसद में चला चला मैं संसद में चला चला याचबरोबर आजचा हा कार्यक्रम. अरे हाथी का बोले तो लोग बोलते बीएसपी वाला है. अरे हाथी चलता है बाजार. मैं बाबा साहब का हूं भाई, मैं कोई पार्टी का नहीं हूं. हाथी चलता है बाजार और कुत्ते भौंकते हजार. हाथी चलता है बाजार कुत्ते भौंकते हजार. हाथी चलता है बाजार कुत्ते भौंकते